नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में अपने मुआवजे को लेकर के आंदोलनरत किसानों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहां पे किसान इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि पावर प्लांट के लिए जो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है वो 2013 के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि उन्हें मिलना चाहिए आज के आधार पर, बाजार दर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर के किसान आंदोलन कर ही रहे थे कि इसी बीच पिछले दिनों पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद ये आंदोलन भड़क गया है। अब वहाँ पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे वहाँ पे धरना दिए, उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत पहुँच गए और उन्होंने आर पार की लड़ाई का संकेत दे दिया। नीतीश सरकार को साफ साफ चेतावनी दी कि बिहार में भी मंडी की व्यवस्था कीजिए, किसानों को मुआवजा दीजिए, नहीं तो फिर आंदोलन फेस करने के लिए तैयार रहिए। नेहा सिंह राठौर कैमूर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में अब उनकी मैरिज हो गई है, लोक गायिका हैं, भोजपुरी में वो गाती हैं। वो पहुँची खगड़िया और किसानों के दर्द को अपनी खूबसूरत गीत के जरिए यूं बयां किया। इसके बाद तो किसानों में मानो जोश भर गया। इस कड़ाके की सर्दी में भी किसान जो है कैसे तपते हैं, कैसे खेती के लिए मरते हैं, जरा सुनिए नेहा सिंह राठौर का वो गीत। सुना, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किसानों के दर्द को बयां किया है। दरअसल इस देश में जो ट्रेडिशनल खेती है वो घाटे का सौदा हो गई है
और जब कभी विकास के लिए यानी सड़क निर्माण के लिए, किसी प्लांट के लिए या सरकार के किसी अन्य मकसद के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण होता है, उसमें किसानों की अपेक्षा रहती है कि उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा मिले। और जो भी अधिग्रहण कर रहा होता है, वैसे तो सरकार ही अधिग्रहण करती है, बेशक वो किसी प्राइवेट पार्टी को बाद में दे दे, उनकी कोशिश रहती है कि कम से कम में काम चल जाए। हालांकि इसके भी नियम कानून हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बक्सर की घटना से पल्ला झाड़ा, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार को कुछ भी पता नहीं है? क्या बक्सर के चौसा से ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये बिहार के लिए सिरदर्द साबित होने वाला है या पूरे देश में फैलेगा? आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनावों से पहले यानी कि 2021 में नवंबर में जो 3 बिलों को लेकर के किसान दिल्ली की सीमा को घेरे हुए थे, 1 साल तक वो आंदोलन चला था, 700 किसान शहीद हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3ों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान करना पड़ा था और किसान जो है उसके बाद शांत हुए थे, उनका आंदोलन खत्म हुआ था। अभी भी उनकी MSP को लेकर के मांगें पूरी नहीं हुई है। इसी बीच चौसा ने मौका दे दिया है किसानों को एकजुट होने का। वहाँ पे गए थे राकेश टिकैत और कह के आए हैं कि हम आपको टाइम देते हैं, इस बीच में समस्या का समाधान कर दीजिए, नहीं तो फिर हम आंदोलन छेड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक किसान बहुत परेशान रहता है। खेती धीरे धीरे कम होती चली गई, खेती बढ़ती चली गई, ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान रह गए हैं और जो खेती का तरीका है उससे उनके परिवार का पालन पोषण हो नहीं पा रहा है, खेती घाटे का सौदा हो गई है। तो अब ये जो आंदोलन है यदि फैलता है तो निश्चित रूप से चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका सिरदर्द बढ़ने वाला है। ये चौसा वही है जहाँ पर हुमायूं और शेर शाह सूरी की 1539 में जंग हुई थी। यहाँ पर शेर शाह सूरी जीता था और अब फिर से एक बार किसानों के आंदोलन को लेकर के चर्चे में है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।